हाई स्कूल फ्रेंडशिप्स आर प्रेशियस। आई नो ये किसी इंट्रोवर्ट कम्युनिटी के सबसे जाने माने पायनियर से सुनना अजीब लगता है, लेकिन कभी कभार इवन यू स्टार्ट फीलिंग द वॉइड आउट ऑफ नोवेयर। फॉर एग्जाम्पल, जिस लड़के के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ही यूज टू बी माई गो टू गाय व्हेनेवर आई थॉट ऑफ एनी मिसचीफ। हम लोग साथ में क्लासेस बंक करते थे एंड वो सब कुछ जो तुम लॉन्डो वाले बकचोदी के कैटेगरी में डाल सकते हो। मुझे पता है एज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ माई यूट्यूब चैनल तुम लोगों को आदत है मुझे स्मार्ट और सेंसिबल के रूप में देखने की, लेकिन ये सब मुझे अचूक नहीं बनाता। आई हैव डन सम ऑफ द मोस्ट डमेस्ट थिंग्स दैट यू कैन एवर इमेजिन। जैसे कि किसी के सेक्सुअल प्रेफरेंस के बेसिस पर उसका मजाक बनाना। मैं इस वीडियो में होमोफोबिया और LGBT के इश्यूज को टच नहीं करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन द एस्पेक्ट ऑफ माई फ्रेंडशिप। एंड एज यू नो वेल, मुझे मेन टॉपिक से भटकने की बहुत बुरी आदत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी गुड एट अज्यूमिंग थिंग्स, स्पेशली जब बात लोगों पे आती है, तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सोसाइटल क्राइटेरियाज होता है जिसपे की यू हैव टू कम्प्लाई विद इफ यू वॉन्ट टू एग्जिस्ट। यही जजमेंटल एटीट्यूड बड़े होते होते कई लोगों में इग्नोरेंस का रूप ले लेती है, जो कि एक प्राइम रीजन है फॉर द एलियनेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। इफ यू एवर एक्सपीरियंस्ड ए हार्ट ब्रेक, तो तुमको अच्छे से पता होगा दैट फिजिकल अब्यूज एंड मॉनिटरी अब्यूज इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इमोशनल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज इज समथिंग जिसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है एंड इट काइंड चिपक जाता है तुम्हारे पर्सनैलिटी के साथ। वैसा किसी ने सोचा नहीं था, इतने दिनों के फ्रेंडशिप में कोई तुम्हारे सामने आके कुछ ऐसा रिवील करता है, ऑलमोस्ट लाइक अ स्लैप ऑन द फेस। ओह, यू रियली थॉट यू न्यू एवरीथिंग अबाउट मी, एंड देयर यू आर, रियलिटी को हजम करने की नाजायज कोशिश करते हुए। लास्टली, आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, यू चूज द मींस ऑफ मॉकरी। फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, इधर जो हरकत मैंने 4-5 साल पहले किया था उसके लिए माफी मांग लूं, और किसी गे का मजाक उड़ाने के मैनली सेटिस्फैक्शन से खुश रहूं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट दैट इमोशनली इंटेलिजेंट टू मेक ए कॉन्क्रीट डिसीजन। इनफैक्ट आई थिंक यही दिक्कत है, स्कूल में बोलते थे कि आई एम सॉरी आर टू मैजिकल वर्ड्स, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया कि एक्चुअली बोला कैसे जाता है। ऑलराइट, देखते हैं हाउ टू से सॉरी। गूगल किसी काम का नहीं है। How to say sorry to someone whom you mocked because he was a gay and said mume? Okay, this is not helping at all. मुझे खुद से ही कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा दिया to write a perfect apology to make it as heartfelt as possible. Okay, this sounds nice. Wait, what the f- no? See, this is the reason I don't have a girlfriend, right? जब बात टेक्सटिंग पे आती है तो मेरे से ज्यादा बदतर, क्लिंजी, मिस ओरिएंटेड शायद ही कोई और होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि टेक्सटिंग सीखने के लिए आई शुड हायर समवन, यू नो। एनीवेज, ये एनकाउंटर इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। इनफैक्ट ही एक्नॉलेज द फैक्ट दैट एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया अपने कम्फर्ट जोन से निकलने की। अब जब हम लोग बात करते हैं तो पता भी नहीं लगता कि इतने साल बीत गए हैं। कभी कभार तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं किसी गे से बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा इंटरनेट पर LGBT वालों को पोर्ट्रे किया जाता है। ऑलवेज ऑफेंडेड, विल किल योर होल फैमिली इफ यू शो इवन एन अउंस ऑफ होमोफोबिया। ट्रस्ट मी, मैंने उससे सम ऑफ द मोस्ट ऑफेंसिव मीम शेयर करा है एंड ही रिप्लाइज बैक विद समथिंग इवन वर्स। So there's nothing as such distinction between him and any other friend. Chances are, वो अभी भी हमारे स्कूल टाइम के हरकतों को याद करके हंसता होगा।